हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इंडिया में 5G की टेस्टिंग चल रहा है, जिसके रेडिएशन के वजह से इंडिया में कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। दैट मीन्स कोरोना का जो सेकेंड स्टिंग है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके वजह से लोगों को सांस नहीं आ रही एंड बहुत सारे लोगों की डेथ होता है। दोस्तों, मैं संतोष इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, क्या यह मिथ है या सच है, और 5G रेडिएशन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसमें हेल्थ के इफेक्ट क्या हो सकता है एंड किसको ज़्यादा सबसे नुकसान है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 5G क्या है। दोस्तों, जो 5G है ये 5th जनरेशन, ये एक लेटेस्ट वायरलेस मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आप सबको पता है जैसे ही जी लगता है, जी मतलब जनरेशन, जैसे 4G 3G 5G। अभी हमारे देश में 4G चल रहा है, यानी 4th जनरेशन चल रहा है। जैसे ही हमारे देश में 5G लग जाएगा, दैट मीन्स सिंपल भाषा में बोलो, हमारे जो नेटवर्क सिस्टम है, मोबाइल जो स्पीड में चलाते हैं उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो फ़ोन जो काम कर रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करेगा। कोई भी एक चीज़ आप डाउनलोड करोगे बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इंडिया में सबसे पहले 2019 में आया था एंड उसका टेस्टिंग तब हुआ था एंड ये दोबारा स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करें, मैं बताता हूँ, ये 3.5 GHz से लेकर 10 GHz तक हो सकता है। दैट मीन्स अभी जितना स्पीड है उसका स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं, क्या सच में 5G के टेस्टिंग के वजह से जो रेडिएशन निकलता है उससे कोविड में डेथ होता है, यानी कोविड केसेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5G के टेस्टिंग की वजह से जो भी रेडिएशन निकलता है उससे ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बट उसका डेथ नहीं हो सकता। तो ये जो रेडिएशन है, मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा आपके स्किन को इफेक्ट करेगा, या तो आपके आई इरिटेशन कर सकता, उससे ज़्यादा इफेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। ये मिथ है कि इसके वजह से इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, उससे डेथ ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, ये रेडिएशन है एंड जो कोरोना है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रेंड, इसके क्लैरिटी के लिए मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। आप सबको पता है कि साउथ कोरिया एंड हांगकांग ने 5G रेडिएशन का सबसे पहले ट्रायल कर चुके हैं। दैट मीन्स 5G का ट्रायल कर चुके हैं एंड वहाँ पे फुली फंक्शनल है। दोस्तों, अगर ऐसा होता, रेडिएशन की वजह से कोविड केसेस बढ़ जाता या उससे डेथ कनेक्टेड होते, देन साउथ कोरिया में एंड हांगकांग में इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलता एंड वहाँ पर भी कोविड केसेस बढ़ जाते हैं, डेथ बहुत ज़्यादा हो जाता। एंड दोस्तों, आप सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये सर्टिफाई कर रखा है 5G रेडिएशन से ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करेगा, अगर करेगा देन ये स्किन डिजर्डर कर सकता है या तो आपका आई इरिटेशन कर सकता है, बिकॉज ये स्किन से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए इससे कोरोना से कोई रिलेटेड इशू नहीं हो सकता। दोस्तों, और एक सवाल उठता है जिसका आंसर भी मैं दे देता हूँ। और एक सवाल ये उठता है, अगर ऐसा नहीं है, 5G के टेस्टिंग के वजह से रेडिएशन नहीं निकल रहा है, तो हम जब बहुत सारे चीज़ों को टच करते हैं तो हमें करंट क्यों लगता है, पहले नहीं लगता था अब क्यों लगता। दोस्तों, ये भी मिथ है, पहले भी हमें करंट लगता था, अब भी ये करंट लगता है, ये रेडिएशन की वजह से नहीं है बल्कि ये स्टैटिक करंट की वजह से होता है। दोस्तों, स्टैटिक करंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एटम होता है, उसके अंदर जो एटम होता है पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उसके अंदर जब पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस दोनों इम्बैलेंस हो जाता है, यानी बैलेंस में नहीं होते, तो स्टैटिक करंट फॉर्मेशन होता है, यानी करंट एक जगह पे फिक्स हो जाता है। जैसे हम उस बॉडी को टच करते हैं, करंट उस बॉडी से हमारे बॉडी पे फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमें करंट लगता है। आपको भी ये बहुत बार फील होगा होगा, कहीं सोफा पे, कहीं पे फर्श पे, कहीं पे हैंगर पे, कहीं पे कोट पे, जैसे हम टच करते हैं हमें करंट फील होता है, इसको हम स्टैटिक करंट बोलते हैं। ये 5G रेडिएशन से कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, अगर आप स्टैटिक करंट से बचना चाहते हो, स्टैटिक करंट फ्री स्प्रे आता है, आप उस स्प्रे को यूज कर सकते हो, आपको स्टैटिक करंट नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ एक्चुअली टेस्टिंग हो रहा है उसके रेडिएशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा। दोस्तों, आप सबको पता है 4G हो 3G हो 5G हो, इसका रेडिएशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा बर्ड्स फैमिली, दैट मीन जितने भी बर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, उनका डेथ हो सकता है। बहुत बार ये इशू भी आया है, बहुत बार स्ट्राइक भी हुआ है इसको लेके, टेली कंपनी के अगेंस्ट में स्ट्राइक भी किए हैं। ये बात सही है, अगर इसका टेस्टिंग होगा, अगर इसमें से रेडिएशन निकलता है, देन जो बर्ड्स फैमिली है उनको ज़्यादा इफेक्टेड होगा। दोस्तों, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हमें करंट क्यों लगता है, 5G रेडिएशन क्या है, इसके हेल्थ इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, इसका रिलेशन कोविड के साथ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।